हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास आई है 2023 न्यू किया कैरेंस, जो आज हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। पूरी फुल एसेसरीज हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और ये हमारा पूरा फुल बेसिक मॉडल है। जो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को आप इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको सिस्टम का सिर्फ आपको डमी दी गई है। तो ये वाला हम लोग डमी पीस निकाल के हम लोग यहाँ पे 9 इंच एंड्रॉयड हम लोग लगाने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग स्पीकर और हम लोग ये गेट के अंदर हम लोग डैम्पिंग सीट करने वाले हैं, डैम्पिंग भी लगाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसमें हम लोग सीट कवर भी लगाने वाले हैं, सीट कवर भी काफ़ी यूनिक लगाने वाले हैं और काफ़ी प्यारा सीट कवर लगाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें हम लोग फ्लोर लेमिनेशन भी करने वाले हैं, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 7D फ्लोर लेमिनेशन करके हम लोग फिर इसमें 7D मैटिंग लगाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई सेंटर लॉक भी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सेंटर लॉक भी लगाएंगे और वो भी हम लोग फ्लिप की इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं इसके किया कैरेंस में। और यहाँ पे हम लोग पूरी फुल एसेसरीज इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और वो भी हम लोग विदाउट वायरिंग कटिंग हम लोग इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो वीडियोस लेकर दिल्ली के जाइए, यूट्यूब वीडियोस लेकर, उसके बाद मुझे सर का वीडियो मुझे देखा मैंने, तो मुझे इनका वर्क करने का स्टाइल, उनका यहाँ का सारे काम मुझे अच्छा लगा। तो मैं सर से बात करके मैं यहाँ आया, सारे काम मैंने मॉडिफिकेशन सारे काम उनको बता दिया, उसके साथ सारे काम उन्होंने अच्छे से किया। और जो मैंने मार्केट में रेट लिया और मैंने जो तमाम चीज़ों को देख के मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि मुझे इतना 1000 रुपये तक खर्चा आएगा, लेकिन मैं वास्तव में बताऊं जो सारे काम इन्होंने किया उससे 10-15 हज़ार रुपये कम में मेरा पूरा काम। जो किया कैरेंस में जो एसेसरीज लगने वाली है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा निप्पॉन एंड्रॉयड 9 प्रो, ये है हमारा निप्पॉन का। और ये हमारा फिशाई है, ये कैमरा वाइड एंगल कैमरा है और ये रहता है हमारा AHD कैमरा रहता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, वीडियो के अंत में मैं आपके उसकी में क्वालिटी भी चेक करवाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कोक्सियल स्पीकर है, ये 350 वॉट है, ये स्टेज 1 है। और आप ये देख सकते हैं ये JBL का है कंपोनेंट स्पीकर, 390 वॉट है, ये भी हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। और ये कंपोनेंट हम लोग फ्रंट में लगाने वाले हैं और कॉक्सियल हम लोग रियर डोर पे लगाने वाले हैं। और ये हमारी अनप्लग की है, ये हमारी डैम्पिंग सीट यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हम लोग ये डैम्पिंग सीट भी लगाने वाले हैं। और ये हमारा RD कंपनी का है, ये फ्लिप की हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये भी हम लोग पूरी फुल विदाउट वायरिंग कटिंग करने वाले हैं। जे इसमें जो एसेसरीज आपको मिलती है तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका वारंटी कार्ड है, ऑल ओवर इंडिया में आपको इसकी सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो आप तो आपको ये सर्विस आपको इसकी मिल जाएगी। बाकी इसमें आप किस टाइप की फ़्लिप की आती है यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप से फ़्लिप की आती है। और इसमें एक सादा रिमोट भी आता है इसके अंदर, वो जो आपकी जो ओरिजिनल जो की रहती है वो इसमें जाके इंस्टॉल हो जाती है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और ये इसका RD का ये यूनिट है ये, और ये पूरी फुल एसेसरीज है। और ये हमारी 7D मैट है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी हमारी 3D में है 7D मैटिंग, और ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की रहती है ये, और पूरी फुल बकेट में रहती है ये हमारी 7D मैट। और इसके पीछे आपको पूरा फुल वेलक्रो मिलता है ताकि कारपेट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पकड़ लेती है। और आप देख सकते हैं स्पीकर की जगह पे यहाँ पे हमें फोम दिया हुआ है, और ये वाली पॉलोथीन दी हुई है, जैसे हम लोग कभी डायरेक्ट स्पीकर लगा देते हैं और जैसे हम कभी वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ये पन्नी भी काफ़ी गेट में आवाज़ करती है। तो ये वाली पन्नी भी हम लोग इसमें हटा के, पॉलोथीन हटा के हम लोग इसमें डैम्पिंग सीट करने वाले हैं। और इसका जो डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए रहते हैं और इतना पूरा पोर्शन हम लोग पूरा बाहर करने वाले हैं ये वाला यहाँ पे, ताकि बिल्कुल हम लोग बगैर पेचकस लगाए हम लोग इसमें खोलने वाले हैं। क्योंकि जैसे हम लोग पेचकस लगाते हैं तो ये फाइबर पर स्क्रैचेस आते हैं, तो ये फाइबर वाला जो स्क्रैचेस रहता है वो कभी जाता ही नहीं है। और आप देख सकते हैं एक साइड का फ्लैप खुल चुका है और यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है और स्क्रू निकालते से ये हमारा पूरा फ्लैप और ये लॉक पे टिका रहता है और एक स्क्रू पे ये
चिपका सा रहता है। और ये जो डमी पीस है, ये डमी बिल्कुल चार स्क्रू पे बिल्कुल ये फुल टाइट रहती है। तो इसको हम लोग चार स्क्रू पे हम लोग इसको खोल के इसको भी हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग बाहर कर देंगे। और काम हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम किया जाता है, ताकि हम लोग कोई गाड़ी की कोई वायरिंग कटिंग नहीं करती हैं। और आप देख सकते हैं, ये है हमारे म्यूज़िक सिस्टम के सॉकेट हैं, पावर सॉकेट और स्पीकर सॉकेट, और ये आपका एंटीना सॉकेट। इसके अंदर तीनों सॉकेट है, ये इसमें हम लोग बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसका जो है हम लोग जो इसमें जो पन्नी लगी हुई है पॉलोथीन, इसको हम लोग निकाल के यहाँ पे हम लोग अभी डैम्पिंग करने वाले हैं। और ये जो थर्माकोल है, ये वाला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें कटिंग कर लेना रहता है, ताकि जैसे हम कभी इस पर हम अभी रिंग भी लगाने वाले हैं, वाटरप्रूफ रिंग भी लगाने वाले हैं। और ये है आपका स्पीकर वायर, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हम लोग अभी कनेक्शन करने वाले हैं। ये वाले जो स्पीकर वायर भी हम लोग इसमें कटिंग नहीं करने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारी डैम्पिंग सीट लग रही है, या पे देख सकते हो, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये डैम्पिंग सीट लग जाती है। और जो भी जो छोटे पीस बचते हैं वो हम लोग अंदर के साइड हम लोग लगा देते हैं, इसमें गेट में ही हम बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि वही वाली जो सीट रहती है वो भी काम आ जाती है। हम लोग वो गेट के अंदर हम लोग जो पीस बचते हैं वो हम लोग लगा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास रबर वाला हथौड़ा रहता है, ये रबर का रहता है, सिर्फ डैम्पिंग को ये पेस्ट करने के लिए। और ये हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुकी है हमारी डैम्पिंग सीट, आप ये देख सकते हैं। ये है हमारी अनप्लग की, ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रॉपर तरीके से ये इसको भी पेस्ट करना रहता है। और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये हमारे चारों गेटों में ये डैम्पिंग सीट लग चुकी है। ये हमारे ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड और दोनों हमारे जो रियर डोर है वहाँ पर भी बिल्कुल चारों में ये हमारी लग चुकी है, चारों डोर में बिल्कुल कंप्लीट लग चुकी है। और किया कैरेंस का हमने पूरा हाफ डैशबोर्ड भी हमने इसको ओपन कर लिया है। और मैं आपको बताऊंगा जो निप्पोन 9 प्रो में आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती है। और ये आपको मैनुअल गाइडलाइन मिलती है, ये आप देख सकते हैं इसमें। और ये है आपका वारंटी कार्ड भी मिलता है, और ये आपकी मेन यूनिट है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली हमारा 9 इंच में रहता है ये स्क्रीन। और आपके इसके पीछे भी आपको निप्पोन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और इसमें जो एसेसरीज क्या क्या मिलती है वो मैं आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं, निप्पोन की बैजिंग रहती है इस पर पोलोथीन पे भी। और इस पर आपको 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप में दोनों में आप पेन ड्राइव लगा के आप इसमें आप चला सकते हैं। और ये यूनिवर्सल लूम आती है, तो ये तो कोई काम की नहीं है। और ये आपकी बेस ट्यूब चलाने के लिए ये वाली जो कॉर्ड आती है, जैसे आप कभी बूफर या बेस ट्यूब लगाते हैं, ये हमारी रियर कैमरे की है ये कॉर्ड है ये। और इसके साथ जो स्क्रीन इनको कसने वाले ये स्क्रू हैं। और ये माइक आता है इसके साथ में, ये आप देख सकते हैं, ये माइक की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और ये मैप चलाने के लिए ये है हमारा GPS एंटीना है ये इसके थ्रू मैप चलता है। और इतनी सारी एसेसरीज मिलती है। और ये हमारा 390 वाट है ये JBL का कंपोनेंट स्पीकर, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। और ये स्पीकर रहता है हमारा 6.5 इंच का स्पीकर रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट स्पीकर। JBL का आप कोई सा भी स्पीकर लेते हैं तो वो आपको 6.5 इंच का ही स्पीकर मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, इसका क्रॉस ओवर है इसका छोटा सा। और ये ट्विटर है ये जो JBL के जो 390 वाट में मिलता है। और ये JBL का स्टेज 1 है, ये कोक्सियल स्पीकर रहता है। और इसके अंदर जो ट्विटर है, ट्विटर भी इसके अंदर इनबिल्ट ही रहता है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला स्पीकर भी आपका 6.5 इंच का रहता है, ये है इसका पूरा सेट। और इसको हम लोग लगाने वाले हैं, ये है पूरी ABS फाइबर में ये पूरी रिंग रहती है, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरी वाटरप्रूफ रिंग रहती है। रिंग इसलिए लगाया जाता है कि जैसे हम कभी डायरेक्ट हम लोग जैसे कभी डोर पे लगाते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। और ये पूरा वाटरप्रूफ रहता है, जैसे आप कभी गाड़ी भी वॉश करवाते हैं तो ये आपका ये पानी से स्पीकर को बचाता है। और आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी स्पीकर की जो केबल है,
ये हम इस टाइप से दोनों पिन निकाल लेना रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी दोनों पिनें निकल जाती है इस टाइप से। और ये वाली पिन के अंदर हम लोग इसमें जो हमारा जो एडिशनल वायर रहता है वो हम लोग इसमें लपेट देते हैं। और फिर जो सॉकेट निकला था ये वाला सॉकेट के अंदर ही हम लोग इसको डायरेक्ट पिन को वापस फंसा देते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये हमारा रिंग के साथ हमारा कंपोनेंट स्पीकर भी लग चुका है। ये है हमारा क्रॉसओवर और जो इसका कनेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी डैम्पिंग भी कंप्लीट है और ये आपको वाटरप्रूफ रिंग भी लगा दिया है और हमारा जो कंपोनेंट स्पीकर है वो भी लग चुका है। और मैं आपको इसका मैं किया कैरेंस का मैं आपको मैं फ्रेम बताने वाला हूँ। ये किया कैरेंस का ये है अपना म्यूजिक सिस्टम का ये सॉकेट है ताकि इसमें हम लोग कोई वायरिंग कटिंग ना हो। इस चक्कर में हम लोग ये सॉकेट टू सॉकेट हम लोग इसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें कनेक्शन करने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं मैट फिनिश में है, ये मैट ब्लैक फिनिश में रहता है इसका फ्रेम और इसका ग्लोसी फिनिश में भी आता है। तो सर ने बोला कि मुझे मैट फिनिश में चाहिए तो ये हमने मैट फिनिश में हमने इसका ये जो फ्रेम लगा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं ये वाला आपका गाड़ी के सॉकेट है ये वाला। और ये जो वाइट जो हमारे हाथ में ये वाला जो हमारा म्यूजिक सिस्टम का सॉकेट है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस टाइप से ये बिल्कुल ये कनेक्टर आसानी से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें गाड़ी के अंदर कोई हमने कोई वायरिंग कटिंग नहीं करी और अलग से ना ही कोई हमने कोई गाड़ी का वायर छिला हुआ है। हम लोग गाड़ी के वायर की कोई छेड़खानी नहीं करते क्योंकि इसमें जैसे हम लोग कभी कट भी लगाते हैं तो ये जो शोरूम पे काफ़ी नाटक होते हैं कि आपने आफ्टर मार्केट से काम करवा लिया तो आपकी आफ्टर वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग वायरिंग को बिल्कुल कटिंग नहीं करने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं ये हमारा निपॉन लिखा हुआ है, ये हमारा एंड्रॉयड ऑन हो चुका है। म्यूजिक सिस्टम भी हम लोग इसमें लगा दिया तो ये हमारा एंड्रॉयड भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसमें कोई गाड़ी में कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये फ्रंट वाला डोर जो हमने जो कंपोनेंट स्पीकर लगाया था इसकी भी हमारी वायरिंग हो चुकी है, ये तो बिल्कुल सॉकेट टू सॉकेट हो चुकी है। और ये हमारा कोर ड्राइवर साइड का ये स्पीकर और ये हमारा कोक्सियल जो स्पीकर हमने जो लगाया था ये वो है। ये भी हमारे दो रियर डोर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है। और आपको कहीं से कहीं तक कि आपको इसमें स्क्रैचेस बिल्कुल डैशबोर्ड पर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पेचकस बिल्कुल भी नहीं लगाया। जैसे हम लोग कभी पेचकस लगाते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी स्क्रैचेस आते हैं और काफ़ी गंदा डैशबोर्ड लगता है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो मैं आपको वीडियो क्वालिटी बताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी 4K वीडियो आप इसमें आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और जैसे हम कभी रिवर्स गियर डालते हैं तो इसमें AHD अल्ट्रा इसमें आपका वीडियो आपको दिखता है और ये हमारा वाइड एंगल रहता है कैमरे का। और आप देख सकते हैं ये है हमारा ट्विटर्स है, ये हमारे ट्विटर भी लग चुके हैं ऊपर। और मैं कवर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कवर लग रहा है इसका रेड और ब्लैक में और काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है हमारी सीट कवर का यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। और काफ़ी ये सीट कवर हम लोगों ने कस्टमाइज़ किया हुआ है सर के रिक्वायरमेंट पे कि ये सर ने हमें फ़ोटो बताई थी कि हमें इस टाइप से हमें ये सीट कवर चाहिए तो हमने ये सीट कवर इसमें कस्टमाइज़ किया हुआ है। और पीछे बैकरेस्ट भी हमने इसमें लगा दिया है वुडन का। और बाकी आप फिटिंग देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग हुई है, कहीं से कहीं तक कि आपको सल नहीं मिलेगा। और इसमें आपको 3 साल की गारंटी मिल जाती है जिससे कभी पपड़ी निकल जाए या कभी फट जाए कवर तो आपको ये 3 साल में आपको रिप्लेस करके आपको दूसरा कवर आपको लगा दिया जाएगा। बाकी आप फिटिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिटिंग है। और ये इसका फोल्डिंग करने वाला स्विच का भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारे पास बिल्कुल ये कस्टमाइज हो जाता है ये हमारा सीट कवर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे वाली सीट पे भी काफ़ी बढ़िया फिटिंग हो जाती है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे आप कभी कोई सी भी सीट लेके आते हैं तो आपके ये हम लोग कस्टमाइज़ कर देते हैं सीट कवर।
और बाकी आप देख सकते हैं हमने इसमें DRL लगाया हुआ है, हेडलाइट DRL। यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। जैसे कभी आप कभी ऑन करते हैं तो ये मैट्रिक्स में ऑन होती है ये हमारी LED DRL। यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग जैसे कभी इंडिकेटर देते हैं राइट टर्न राइट लेफ्ट, तो ये उसमें भी आपका ये राइट टर्न राइट लेफ्ट में आपका ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और जैसे आप कभी हैजार्ड ऑन करते हैं, चारों इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो ये आपकी ये चारों इंडिकेटर पे भी आपकी ये ऑन हो जाती है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है। और बाकी लोग जैसे कभी हेडलाइट खुलवा के करवाते हैं तो हेडलाइट आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है और उसके अंदर मॉइस्चर आना चालू हो जाता है। जैसे आप कभी गाड़ी वॉश करवाते हैं या बारिश आती है तो हेडलाइट के अंदर मॉइस्चर आना चालू हो जाता है और उसका फिर जो रिफ्लेक्टर रहता है जो क्रोम वाला, वो अंदर का अंदर वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो LED जो DRL है ये वाली आप ऊपर से ही लगवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है और आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने ये आफ्टर मार्केट से करवाया हुआ है और काफ़ी प्यारा लुक आता है ये वाला। और ये काफ़ी रीजनेबल रेट में रहती है और आपको इसके लिए आपको हेडलाइट भी खुलवाने की ज़रूरत नहीं रहती और ये ऊपर के ऊपर आपका ये जो DRL आपकी लग जाती है। आप देख सकते हैं जैसे हमने कभी इंडिकेटर दिया तो कितना प्यारा लुक आ रहा है और आपको लाइट नहीं दिखेगी, बस खाली आपको रोशनी दिखेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम कभी राइट टर्न राइट लेफ्ट का हम लोग जैसे कभी इंडिकेटर देते हैं तो वो आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से ऑन हो जाता है इसके अंदर। और आपका स्टेयरिंग कवर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरिंग कवर भी हमने ब्लैक में लगाया है और जो इसकी जो स्टिच है वो हमने रेड कलर में करी है तो काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टिच भी काफ़ी बढ़िया हुई है और स्टेयरिंग पे भी आपको गैप नहीं दिखेगा। बाकी जैसे कभी लोकल वाला स्टेयरिंग लगाते हैं तो वो गैप दिखता है, तो इसमें वैसा कुछ भी नहीं होने वाला और काफ़ी प्यारा लुक आने वाला है। और ये है हमारी 7D मैटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वाइज जो किया कैरेंस की ही है ये वाली 7D मैट और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बिल्कुल बैठ जाती है। या 7D मैटिंग ये आपको बिल्कुल थर्ड रो तक आपको मिलेगी ये वाली 7D मैटिंग और इसको निकालना भी बिल्कुल आसानी से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं और ये वाली जो मैटिंग जो है बिल्कुल स्लिप मैटिंग नहीं होती है क्योंकि इसके नीचे भी वेलक्रो लगा हुआ रहता है, पूरे कारपेट को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है। और आप देख सकते हैं ये जो रूफ़ लाइट है, रूफ़ लाइट भी हमने इसमें वाइट वाली लगाई हुई है रूफ़ लाइट, तो अंदर का इंटीरियर काफ़ी प्यारा लग रहा है। और आप ये देख सकते हैं ये हमारी फ्लिप की है, ये फ्लिप की भी हमने इसमें लगा दी है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉक अनलॉक पे भी ये आपका इंडिकेटर वर्क करेगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर हम लोग अभी आपको मैं ये इग्निशन ऑन करके बताने वाला हूँ ये वाली जो हमने जो अभी जो फ्लिप की बनाई है। और ये फ्लिप की भी हमारे पास कस्टमाइज हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने इग्निशन ऑन किया फ्लिप की से और ये हमने ऑफ किया, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ये हमारी RD कंपनी की है ये और बाकी कस्टमर से हम लोग रिव्यू लेते हैं। फाइनली हमने किया कैरेंस के अंदर पूरा मॉडिफिकेशन कर चुके हैं और ये हमारे रेजी सर हैं जो कि मिसरोद होशंगाबाद रोड से किया कैरेंस को लेकर आए हैं। ख़ासतौर से हमारी वीडियो को देखकर और हमारे वीडियो को रिकमेंड करके ये हमारी शॉप पर आएँ। काफ़ी कुछ डिस्काउंट दिया गया है जैसा कि आपने पूरा वीडियो में देखा, सीट कवर, सेंटर लॉक, एंड्रॉइड स्टीरियो, रियर पार्किंग कैमरा, सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर हमने फिट करा है। तो अब वक्त आ चुका है कि हमारे जो कस्टमर हैं और जो हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर भी हैं तो इनसे हमारा फीडबैक और रिव्यू लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो रैची जी बताएं आप कि कैसा लगा आपको हमारे इधर से काम करवा कर। नमस्ते दोस्तों, मैं एक्चुअली किया करंस लेने के बारे में 10-15 दिन पहले सोचा था। उस समय से मैं कई YouTube वीडियोस देखा, दिल्ली के कई YouTube वीडियोस देखे, उसके बाद मुझे सर का वीडियो मुझे देखा मैंने, तो मुझे इनका वर्क करने का स्टाइल, उनका यहाँ का सारे काम मुझे अच्छा लगा, तो मैं सर से बात करके मैं यहाँ आया। सारे काम मैंने मॉडिफिकेशन सारे काम इनको बता दिया, उसके साथ सारे काम इन्होंने अच्छे से किया और जो मैंने मार्केट में रेट लिया और मैंने जो तमाम चीज़ों को देख के मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि मुझे इतना 1000 रुपये तक खर्चा आएगा,
लेकिन मैं वास्तव में बताऊँ, जो सारा काम उन्होंने किया उससे 10-15 हज़ार रुपये कम में मेरा पूरा काम हो गया। मैं इसलिए बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। धन्यवाद राजी जी, काफ़ी शुक्रिया। आप नेक्स्ट नई कार लेंगे वो भी हमारे से मॉडिफाइड करवाएं। टाटा एल्ट्रोस सर का टाटा एल्ट्रोस का प्लान हो रहा है, तो उसका भी हम मॉडिफिकेशन काफ़ी जल्द करने वाले हैं और आपका उसका भी वीडियो आपको जो है नेक्स्ट देखने को मिलेगा। सो गाइज, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।